नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आईपीएल सट्टे का दांव लगाते पकड़ा दो युवकों को। आरोपियों के पास से नकदी सहित टीवी मोबाइल किया जब्त। शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल बीएम शाह हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में मनाया जा रहा स्थापना दिवस। 6 दिवसीय शिविर लगा, कम दरों पर की जा रही जांच। सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत पहुंचे लोर में विधानसभा। यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए ईडी व भाजपा पर किया करारा हमला। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए दिए बयान पर कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम सीएसपी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चंदली पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। श्री बघेल का हेलीपैड पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लेखनी सोनू चंद्राकर, संभाग आयुक्त डॉ. संजय अलंग, आईजी बीएन मीणा, कलेक्टर राहुल देव, एसपी चंद्रमोहन सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ईडी और बीजेपी पर बैक टू बैक ट्वीट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करारा हमला किया है। सीएम ने कहा कि मैंने पहले कह रखा था कि जैसे जैसे चुनाव समीप आएगा, ईडी आईटी स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में रहकर नए नए षड्यंत्र करेंगे। इनके षड्यंत्रों को हम पहले भी बेनकाब कर चुके हैं। यदि इनको लगता है कि इनकी हरकतों से छत्तीसगढ़ की जनता डर जाएगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि ईडी के अधिकारी आपसी बातचीत में कह रहे हैं कि भाजपा हमारे भरोसे चुनाव लड़ना चाहती है। 3 साल हो गया है, क्या जब्त किया, क्या मिला, अब तक नहीं बता पाए। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि भाजपा के भ्रष्टाचार पर बजरंग बली का गदा पड़ने वाली है। अभी मैं लगातार ये बोलता रहा कि ईडी के अधिकारी ऑफिस में बुला के मारपीट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, परिजनों को प्रताड़ित करने की बात हो रही है, उसको फर्जी केस में फंसाने की बात कही जा रही है, महिलाओं को भी रात रात भर नियम विरुद्ध उसे पूछताछ कर रहे हैं, खाने के नहीं दे रहे हैं, खाने दे दिए, भोजन दे दिए तो पीने के नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, और इस प्रकार से प्रताड़ित कर करके उन्हें जबरिया हस्ताक्षर करा लिए। प्रेस उसके जो नोट है वो पहले से टाइप्ड होकर आता है और उसमें हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, नहीं करोगे तो जेल भेजने की धमकी, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, फर्जी केस में फंसा देंगे, इस प्रकार की धमकी दे दे के उन्होंने ये हस्ताक्षर कराए। और ये 3 साल के अवधि बीत जाने के बाद भी कोयला में 500 करोड़ के बोले, इसमें 2000 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन कोई चलाचल संपत्ति जब्त किया आपने? अब किया है तो कितने का किया है? 3 साल से आप जाँच कर रहे हो, आईटी और ईडी यहाँ लगे हुए हैं, चल अचल संपत्ति कहाँ जाएगा, क्यों जब्त तो नहीं किए, वो कितनी राशि है? आवाज कर रहे हैं 2000 करोड़। तो ये आरोप है वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, निंदनीय है।
भाजपा के राजनीतिक एजेंट के रूप में ये सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही हैं और ईडी का एकमात्र काम है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में फायदा दिलाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ बेहद कमजोर है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और ईडी के अधिकारी आपस में बात भी करते हैं कि हमारे भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ और ये बात साबित हो रही है कि आनन फानन में 2000 करोड़ का उन्होंने आरोप लगा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में ईडी काम कर रही है, उसको मदद करना उनका काम है। अभी लगातार इस प्रकार से और भी ये षड्यंत्र ये लोग करेंगे अब ये लोग भी अधिकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय 15 साल जो नियम थे उसको निकाल के देख ले और हमारे शासनकाल में जो नियम निकले हैं आवेदन के उसको देख ले। उसमें तो व्यक्तिगत रूप से जाकर जनपद कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था, यहाँ तो ऑनलाइन आप भर रहे हैं। दूसरा, चेक लेने के लिए आना पड़ता था, अब उनके खाते में सीधा जा रहा है। तो और नियम कौन सा है, जितने नियम हो सब शीतल, घर घर बैठे आवेदन कर रहे हैं। 1 महीने में 70,000 लोग आवेदन कर लिए, मतलब 1,27,000 लोग किए, जो 70,000 उसे वेरीफाई करके उसके खाते में पैसा भी डालने काम हो गया। तो ये इनके पास कोई काम ही नहीं ना, इन पे गौ माता के नाम से वोट मांगते रहे, गौ माता की सेवा नहीं किए। छत्तीसगढ़ 15 साल सरकार में रहे, रामवन गमन पर्यटन पर पत्नी बनाए, हमारे शासनकाल में तो रामायण की भी आयोजन हो रहा है, उसमें पारितोषिक भी दिया जा रहा है। बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस की बन रही है और बजरंग बली है ये भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा जरूर मारेंगे। देखो ऐसा है कि उसको अब क्या रहता है कि जब एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं ना, तो उसको बार बार निष्ठा बताना पड़ता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी में गए कांग्रेस छोड़ के, तो उसको बार बार निष्ठा बताना पड़ रहा है। तो निष्ठा बताने के लिए सबसे क्या है कि सोनिया जी राहुल जी के बारे में अनर्गल प्रलाप करो, ताकि उसके आंखें खुश रहे, जिस दिन वो बोलना बंद कर देंगे उसकी कुर्सी छीन जाएगी। दुर्ग आदर्श नगर में नवनिर्मित कलर्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे और विधिवत फीता काटकर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। दुर्ग आदर्श नगर में नवनिर्मित कलर्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू व विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बागलीवाल की उपस्थिति में विधिवत फीता काटकर शुभारंभ किया गया। 40 बिस्तरों के इस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 0-18 तक के एज के बच्चों के लिए चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। हम बता दें अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इस हॉस्पिटल में ओपीडी, आईसीयू, एनआईसीयू और साथ ही आरसीआईडी से संबद्ध पैथोलॉजी सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त कमरों के साथ आवश्यक सुविधाएं भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। हॉस्पिटल के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लगातार विभिन्न प्रकार की बीमारियां हर वर्ग के लोगों में आते जा रहा है, चाहे वो प्रदूषण के कारण हो, पर्यावरण के कारण हो, हमारी जिंदगी जीने के तरीके में परिवर्तन के कारण हो, उसके लिए अलग अलग प्रकार के चिकित्सालय सरकार के द्वारा, निजी क्षेत्र में भी विशेषज्ञों की टीम के साथ स्थापित किए जा रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में दुर्ग में बच्चों के लिए जो आज हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया, मैं डॉक्टरों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी हम लोग अंदर में देख रहे थे, आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और बहुत अच्छे ढंग से हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, सारी सुविधाएँ भी हैं और चिकित्सकों की भी व्यवस्थाएँ की गई हैं। तो निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, सबको मैंने बधाई दी है। आज कलर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक उद्घाटन हो रहा है, जो हमारे नवजात बच्चों के इलाज जो होते हैं, और इसके अलावा जो छोटे से लेकर 18 साल तक के बच्चों का जो इलाज का हॉस्पिटल है, एक आधुनिक हॉस्पिटल बनाया गया है डॉक्टर रंगपुर और उनके सभी साथियों ने, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए जिससे हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं रहती, और एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, उसका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं।
वहीं अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भी इस तरह की जानकारी मीडिया को दी गई है। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रेया तिवारी, सीरो विशेषज्ञ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आप यहाँ पे आए और कलर्स चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को इतनी सारी शुभकामनाएँ दिए हैं। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि कलर्स चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है 7 मई 2023, और सीरो विशेषज्ञ होने के नाते ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस तरह का अस्पताल दुर्गभिलाई में खुला है, जिसके वजह से हमारे जो बच्चे डिलीवर होते हैं उनको एक बहुत स्वस्थ लाइफ मिल सकती है। एंड कलर्स का नाम हमने इतना कलरफुल ही ऑलरेडी इसलिए रखा है क्योंकि बच्चे यहाँ पे हंसते खेलते अपना अच्छे से इलाज करा पाए, और प्लस उपलब्ध सुविधाएं बताएं, उपलब्ध सुविधाएं क्या क्या हैं हमारे पास। 40 बिस्तर टोटल पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है ये, यहाँ पे 20 बेडेड NICU है और बाकी पीडियाट्रिक वार्ड और पीडियाट्रिक ICU है, और हम यहाँ पे 0 से लेके 18 ईयर्स तक के सारे बच्चों का हम ट्रीटमेंट करेंगे। और यहाँ पे डॉक्टर अंकुर तिवारी, डॉक्टर अंकुर परघनिया सर, डॉक्टर आकांक्षा परघनिया, डॉक्टर रुपेश अग्रवाल अपनी सेवाएं देंगे। 24 घंटे एम्बुलेंस एवं डॉक्टर की सुविधाएं रहेंगी और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फार्मेसी अवेलेबल। शहरवासियों को बोलूँगी कि ये इससे बेहतर अस्पताल बच्चों के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक स्त्री रोग विशेषज्ञ इस पर इतना ट्रस्ट कर सकती है तो आप मान सकते हैं कि ये बच्चों के लिए कितना स्वस्थ होगा। थैंक यू सो मच। बहरहाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य शख्सियतों की मौजूदगी दर्ज की गई। ग्रैंडेसियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में हॉस्पिटल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन अपने स्थापना दिवस पर मानव सेवा ही माधव सेवा का भाव लिए 8 मई से 13 मई तक स्वास्थ्य शिविर लगाया है। यहां सभी प्रकार की जांच में 50% की छूट दी गई है, तो वहीं महंगी दवाइयों पर 10% की छूट दी गई है, साथ ही उचित परामर्श भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर अपनी बेहतर चिकित्सक की व्यवस्था सुविधाओं के लिए जिले सहित प्रदेश में जाना जाता है। समय समय पर मानव सेवा का भाव लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रयास भी सहायता रूपी किए जाते रहे हैं। एक और मिसाल पेश करते हुए बीएम शाह हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर ने अपने स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का 6 दिवसीय शिविर लगाया है। हम बता दें, हॉस्पिटल प्रबंधन ने सभी विभागों की OPD निःशुल्क की है, वहीं सभी प्रकार की दवाइयों पर लगभग 10% की छूट प्रदान की है। साथ ही साथ सभी प्रकार के महंगे जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, खून व पेशाब की जांच पर 50% की छूट प्रदान की है। शिविर के पहले दिन लोगों के जाँच कराने का सिलसिला जारी रहा। प्रबंधन द्वारा शिविर का उद्देश्य बताया गया, साथ ही शहरवासियों से अपील भी की गई है। मैं डॉक्टर जय तिवारी, मेडिकल डायरेक्टर बीएम शाह हॉस्पिटल। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम जो है अपना 9 साल कंप्लीट किए हैं भिलाई शहर में, और निरंतरता से हम लोग जो हैं अपनी सेवा दे रहे हैं। और हमारी स्थापना दिवस का एक बहुत बड़ा अब हम काम करने जा रहे हैं कि हम लगभग 8 तारीख से 13 तारीख तक हमारी पूरी OPD जितनी भी है, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, सभी हमने जो है फ्री ऑफ सेवा देंगे, और जितनी भी जांचें हैं उन सब में जो है 50% का डिस्काउंट देंगे, चाहे वो MRI हो, चाहे CT स्कैन हो, चाहे सोनोग्राफी हो, चाहे खून की जांच हो, सभी में हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ये हमारा जो पर्पस है, भिलाई की जनता से जुड़ना और भिलाई की जनता की सेवा करना है। धन्यवाद। जैसे आज पहले दिन में कैसा लगा लोगों में, शहरवासियों में क्या रुझान है कि आ रहे हैं, कितनी तादाद में? हाँ, काफ़ी लोग तो फ़ोन पे पूछ रहे हैं कि ये वास्तव में सही है कि नहीं। ये बिल्कुल सही है, और यहाँ जितनी भी OPD है सभी का जो है निःशुल्क पर्चियाँ बन रही हैं, और सभी हमारे स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। शहरवासी से अपील कर दें, शिविर का लाभ उठाएं। शहरवासियों से अपील है कि इस का बाकायदा जो है इस मौके का फ़ायदा उठाएं और हम लोगों को सेवा का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद जी। अभी BMC हॉस्पिटल का ये 9 वर्ष कंप्लीट हुआ है, जिस पे हमारा एक इस बार का कुछ अलग हटके रहा। हमेशा BMC समाज के लिए कुछ न कुछ नया करते आई करके,
चाहे वो सड़क दुर्घटना में हो, निःशुल्क इलाज प्राथमिक जो भी होता है, यहाँ की ओपीडी चाहे 100 रुपये हो, या मरीज़ के लिए जो भोजन है 5 रुपये में हो, कुछ ना कुछ हम करते आ रहे थे। इस बार हम लोगों ने अलग प्लान किया कि शहरवासियों के लिए कुछ ना कुछ और हटके करें। हमारा सेलिब्रेशन ये नहीं हुआ कि हम किसी बड़े होटल में ले जाके करें, पार्टी करें वहाँ पे जाके, समाज के लिए कुछ करें, जिसके लिए हमने ये प्लान किया कि जो बड़ी बड़ी जाँचें होती हैं जिसके लिए लोग पहुँच नहीं पाते या करा नहीं पाते, डॉक्टर लिखता है, तो हमने सभी जाँचों में इस बार 50% की छूट रखी और पूरी ओपीडी जितनी है बीएमसा में, जितने सुपर कंसल्टेंट या कंसल्टेंट बैठते हैं, सभी के ओपीडी निःशुल्क कर दिए। शिविर हर जगह एक दिन का लिए लगता है। हमने ये प्लान किया कि एक दिन में दूर वाले लोग नहीं पहुंच पाएंगे, जो बाहर रहते हैं या और अदर जगह के हैं जो नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए हमने ये किया कि इस शिविर को 7 दिन के लिए रख दिया जाए। तो ये 8 तारीख से आज से स्टार्ट हुआ है और लगातार ये अभी अगले 13-14 तारीख तक चलेगा। ये 8 मई से 13 मई तक चलने वाले मेडिकल कैंप में जांच की जा रही है। जांच पर आवश्यक छूट के साथ परामर्श भी यहां पर दिए जा रहे हैं। बहरहाल इस सुनहरे अवसर का स्वास्थ्य लाभ लेने इच्छुक लोग भी बीएम शाह हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर पहुंचे और स्वास्थ्य लाभ लें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मी को देखते हुए भाजपा नेताओं द्वारा किए गए बातों पर अपना आक्रोश जताते शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की मिली धमकी पर नाराजगी जताई, साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने दुर्ग CSP कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर शहर विधायक उन्मोरा ने बताया कि कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अपनी ओछी राजनीति का परिचय देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार पर जानलेवा हमले किए जाने की शंका जताई। उन्होंने ज्ञापन में भाजपा विधायक और महासचिव मदन दिलावर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए मृत्यु की कामना की और कहा, कांग्रेस अध्यक्ष 80 वर्ष के हैं, भगवान उन्हें कभी भी दूर ले जा सकते हैं। अब भाजपा नेता श्री अर्जुन उनकी पत्नी और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रहे हैं, जिसके तहत अपराधी के खिलाफ अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट की दर्ज कराने की मांग की। इस संबंध में शहर विधायक वोरा ने प्रतिक्रिया दी। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार सामने दिखलाई दे रही है और हार को देखते हुए वो नित नए हथकंडे अपना रही है। अभी सबसे लोगों को पीड़ादायक जो पीड़ा देने वाली बात पहुंची है वह यह पहुंची है कि हमारे देश के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे सब लोग भयभीत हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी का की सरकार है और कर्नाटक में अगर हमारे अध्यक्ष महोदय वहाँ प्रचार करते हैं और उनकी जान को खतरा होता है, तो निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। उसके हमने उनकी सुरक्षा हो और उसके लिए आज हमने यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री 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 सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव लगातार 28 वर्षों से माता सेना सेवा समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। श्री 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 सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस महोत्सव की शुरुआत 7 मई से प्रारंभ होगी और 14 मई को माता के प्रस्थान के साथ महाभंडारे के आयोजन के साथ इस महोत्सव का समापन होगा। जो कोई भक्त अपना सहयोग करना चाहते हैं, वह माता सेना समिति के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर इस तरह से है 7000889727 या फिर 7772911999। इस वर्ष महोत्सव में पधारने वाले आगंतुकों के लिए मनोरंजन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं में पूरे 7 दिनों तक मेले का आयोजन किया गया है। सभी भक्तों से निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महोत्सव में शामिल होकर
श्री 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 सोलापुरी शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरूनगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई, कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882229714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच, जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। फोन नंबर 7730 7711 7730 7722। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। महावारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। Thank you.
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कुछ दिन पहले हुए असमय बारिश से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जिला भाजपा किसान मोर्चा ने एक दिवसीय धरना भिलाई 3 के सिरसा गेट में दिया। पूरे प्रदेश में जिस तरह से बरसात और ओलावृष्टि हुई है, किसानों की बहुत ही उनकी फसलें चौपट हुई हैं, चाहे वो रबी फसल धान की हो, गेहूं की हो, केला की हो, सब्जियों को पूरे प्रदेश में किसान जो बरसात के कारण जो चौपट हुई उसको लेकर काफ़ी परेशान है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया कि प्रदेश के जिन किसानों का जो ओलावृष्टि के कारण उनकी फसलें चौपट हुई हैं उनका सर्वेक्षण किया जाए और सर्वेक्षण करके उनको उचित मुआवजे दिया जाए। साथ ही प्रदेश की सरकार ने गंगा जल उठा करके कहा था कि हम किसानों के लिए उनके लिए विद्युत कनेक्शन देंगे स्थायी रूप से, लेकिन आज तक उन्होंने विद्युत कनेक्शन के नाम से बिल्कुल शून्य है और इस बात को लेकर के प्रदेश के किसान काफ़ी आक्रोशित हैं और आने वाले 4 महीनों में भूपेश सरकार को पता चल जाएगा कि किसानों का आक्रोश और किसानों के प्रति उनकी धोया जो नीति है उसका क्या परिणाम हुआ, ये उनको भोगने के लिए पड़ जाएगा। आज किसान मोर्चा द्वारा भाजपा ये आंदोलन किया गया था और काफ़ी बहुसंख्यक में आप देख रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं और हर मोर्चा प्रकोष्ठ और भाजपा मेन बॉडी से काफ़ी संख्या में लोग हैं और मतलब इस सरकार ने सबको छला है, सबको ठगा है। किसानों का नाम ले लेके पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में ये लोग ये फैला रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया है, जबकि ऐसा हकीकत की ज़मीन पे, ज़मीनी तौर पे हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। 2500 रुपया धान खरीदी है, 2400 तो मोदी जी ही दे रहे हैं, सिर्फ 100 रुपया एक्स्ट्रा अपनी जेब से लगा रहे हैं जो भी सही समय पे नहीं मिल रहा है। बारदाना के लिए पैसा नहीं है, हर एक चीज़ के लिए मोदी जी पैसा दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो धोखे का आवरण इन्होंने बना के रखा हुआ है और लोगों को जो गलत भ्रांतियों में रखे हुए हैं, तो उसी को उजागर करने के लिए ये हल्ला बोल था ताकि भूपेश सरकार तक हम अपनी ये आवाज़ पहुंचा सकें और जो न्याय के नाम पे जो योजनाएं चला रहे हैं वो न्यायिक नहीं है, वो टोटली अन्याय है। आधी आबादी हमारी है, तो भूपेश जी ये चेत जाने का टाइम है और महिला मोर्चा बहुत प्रखरता के साथ, बहुत मजबूती के साथ हल्ला बोलने वाली है। महिला मोर्चा से सावधान, आपको ठगा है। महिलाएं बहुत मासूम होती हैं, भोली भाली होती हैं, गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कसम खाई भूपेश सरकार ने कि हम शराबबंदी कर देंगे। शराबबंदी कर दिया यानी घर के पुरुष सुधर जाएंगे, घर गृहस्थी अच्छे से चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ टोटली उल्टा। तो महिलाओं ने बहुत महिलाओं को बहुत ठगा गया है और जो आवास महिलाओं के लिए आवास जो है बहुत बड़ी प्राथमिकता है, जो मोदी जी ने दिया लेकिन भूपेश सरकार ने वापस किया है ना, तो हर तरीके से महिलाओं को बहुत ज़्यादा ठगा और छला गया है। इसीलिए महिलाओं की ये उपस्थिति दर्ज करवा रही है और हम ये उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आए हैं और बताने के लिए आए हैं कि महिला मोर्चा ने कमर कस ली है। भूपेश बघेल, मुर्दाबाद। भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से किसानों के साथ धोखाधड़ी की है उस बात को लेकर के आज किसानों के द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया गया, 1-2 बजे से स्टार्ट होकर 5 बजे तक। इसमें हमने राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन दिया है कि किसानों को जो हैंडपम्प मिलना चाहिए था, नलकूप मिलना चाहिए थे, वो नहीं मिले हैं। भाजपा सरकार में जितने मिले थे उसके बाद कोई नहीं दिए गए हैं, जबकि इनने वादा किया था कि हर किसान को हम 3 HP 5 HP के नलकूप देंगे और उसके हिसाब से सिंचाई की व्यवस्था होगी। किसान को इस मामले में ठगा उनके द्वारा। इसके अलावा अच्छी खाद, अच्छे बीज की बात हुई थी, वो नहीं दी गई। वर्मी खाद के नाम पर मिट्टी दी जा रही है और किसानों को लगातार ठगा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसान सम्मान निधि दी गई थी पूरे प्रदेश में देने के लिए, उसको भी इनके द्वारा रोक दिया गया है और आज एक एकड़ में 20 क्विंटल धान खरीदी की बात कर रहे हैं, इसके पहले बात नहीं की गई। लगातार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई थी, आज 4.5 साल हो गए हैं, आज जाके बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल का जो एरियस देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, जबकि एक एक बच्चे का कम से कम 1.25 लाख रुपये 4.5 साल का बनता है। इसके साथ साथ इनके द्वारा जो शराबबंदी की बात की गई थी वो शराबबंदी भी नहीं की गई है
और शराब की बिक्री डबल हो गई है। आज कोरोना काल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम शराब बेची है, घर पहुंच सेवा चालू की है। तो इस तरह से सरकार के द्वारा लगातार जनता के साथ, किसानों के साथ छल किया जा रहा है और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये आज आंदोलन किया गया है। आपको किसानों की जो खरीदी की बात है, धान खरीदी की बात जो करते हैं, उसका जो चावल बनता है उसमें 65 लाख टन चावल माननीय मोदी जी ने खरीदा है, और धान खरीदी में जो 2500 की बात है उसमें 2000 रुपया धान खरीदी का, उस पर बोरा का पैसा, सिलाई का पैसा, ढुलाई का पैसा, हमाली का पैसा, सारा का सारा केंद्र सरकार पेड करती है। इस सरकार के द्वारा उसने कुछ पेड नहीं किया था, केवल ये सरकार श्रेय लेने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में खुल करके इनकी सारी कलाई को खोल रही है और इनका विरोध करेगी। 2023 में भारतीय जनता पार्टी इनको निश्चित रूप से सत्ता से हटाएगी और कमल को खिलाएगी। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने दुर्ग नगर निगम अपनी कोशिश दरकिनार कर शहर के मध्य दुर्ग नगर निगम द्वारा संचालित SLRM सेंटर में फैले कचरों से निकलने वाले जहरीले धुएं को नजरअंदाज कर स्वच्छता में नंबर वन आने के दौड़ में लगा हुआ है। इसका खामियाजा इस स्थान से गुजरने वाले शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। दुर्ग नगर निगम द्वारा पूरे प्रदेश में स्वच्छता में नंबर वन आने की कवायद की जा रही है, जिसके चलते नगर निगम विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने अपना समय व्यतीत कर रहा है। इसी कड़ी में शहर के मध्य स्थल सिविल लाइन चौक पर बने SLRM सेंटर में फैले बदबूदार कचरों और जलते हुए कचरों से निकलने वाली जहरीली धुएं को नजरअंदाज कर शहर की जनता और इस मार्ग से गुजरने वाले शहरवासियों की परेशानियों का कारण बने हुए हैं, जिसके अनदेखी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पार्षद शिवेंद्र परिहार ने प्रतिक्रिया दी। वहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है। हम लोग भी जब निगम कार्यालय जाते हैं, शहर के अन्य लोग जब वहां से गुजरते हैं, उनका दम घुटने लगता है। जिस तरह की अव्यवस्था वहां फैली हुई है, SLRM सेंटर का मतलब है कि गीला कचरा और सूखे कचरे को अलग अलग करके उसका निष्पादन करना, लेकिन निष्पादन करना तो दूर, ऐसी भी जानकारी मिली कि वहाँ आग लगाई जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण के हिसाब से जितना नुकसानदायक वो कचरा नहीं है, उससे ज़्यादा नुकसान वो धुआँ आसपास के लोगों को प्रभावित कर रहा है। पर्यावरण विभाग से टोटल इस तरह के कार्य प्रतिबंधित हैं। मेरे नज़र में नगर निगम प्रशासन की अनियमितता है और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ है। शहर में, संपूर्ण शहर में ये आलम देखने को मिलता है। वार्डों में कर्मचारी झाड़ू लगाकर कचड़े को इकट्ठा करके उसको उठाने के बजाय उस पर आग लगाकर उसका निष्पादन करने का प्रयास करते हैं, जो कि टोटल ही अनैतिक कार्य है। उस धुएं से बुजुर्ग, बच्चे और खासकर जो दमा और हार्ट के पेशेंट, उनके साथ कितनी तकलीफ होती, इसका एहसास निगम प्रशासन को नहीं है। माननीय विधायक महोदय, माननीय महापौर महोदय शहर में भ्रमण करके फोटो जरूर खिंचवाते रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि इस तरह के कार्यों से आम लोगों के जीवन पर, उनके स्वास्थ्य पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लाख प्रयास के बाद भी इस तरह के कृत्यों पर ये रोक नहीं लगा पा रहे हैं। अभी सर्वेक्षण होना है, शहर का सर्वेक्षण होना है। पूरे शहर भर में कचड़े पटे पड़े हैं और उसका निष्पादन करने की बजाय जगह जगह उस पर आग लगाई जा रही है। ये एकमात्र SLRM सेंटर नहीं है, शहर के हर स्थानों पर कचड़ा उठाने की बजाय, उसका निष्पादन करने की बजाय उसको आग लगाकर वहाँ ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन AIMSS जिला दुर्ग जिला कमेटी के बैनर तले यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिल्ली में संघर्षरत महिला पहलवानों के समर्थन में नारेबाजी कर समर्थन दिया। यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिल्ली में संघर्षरत महिलाओं पहलवानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन और आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को अविलम्ब गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर चल रहे संघर्ष पर अपना समर्थन देते AIMSS और AIDYO ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए दुर्ग के राजेंद्र प्रसाद चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी कर यौन उत्पीड़न के आरोपी सांसद बृजमोहन शरण सिंह को अविलंब गिरफ्तार करने के साथ ही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से तत्काल बर्खास्त किए जाने सहित अन्य मुद्दों पर अपना आक्रोश जताया। इस मौके पर संबोधित करते हुए ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के पद्मा पाटिल अनिता साहू ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से भारतीय महिला कुश्ती के पहलवान धरना दे रहे हैं। इन खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण हुआ है, इसकी शिकायत की गई, परंतु सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे देश का नाम रोशन करने वाली, एशियन गेम सहित अन्य कई प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने ये बताते हुए आंसू रोक नहीं पाए कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह कई महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। असली पर रोक लगाओ।
रेनेसियन न्यूज के लिए दुर्गा से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 9 दिनों तक चलने वाले अलविदा तनाव शिविर के हुए शुभारंभ पर पहुंचे शहर विधायक व महापौर साथ ही आम जनता के भीड़ यहां नजर आई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी दुर्ग के द्वारा शहर की पुरानी गंज मंडी में आयोजित बहुप्रतीक्षित अलविदा तनाव शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ब्रह्म कुमारी पूनम बहन ने कार्यक्रम में पहुंचे शहर के लोगों के बीच जीवन में पैदा होने वाले तनाव से मुक्ति पाने खास उपाय बताए। बता दें ब्रह्म कुमारी पूनम बहन ने अलविदा तनाव शिविर के पहले दिन सत्र में बताया कि 9 दिन तक चलने वाले इस शिविर में अलग अलग उत्सवों के माध्यम से आपको तनाव मुक्त रहने के गुण सिखाए जाएंगे, जिससे मन तन और बीमारी से स्वयं को मुक्त कर सदैव आंतरिक खुशी व प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हर इंसान में आंतरिक मन व बाह्य मन में होने की बात कही गई। आंतरिक मन हमारा सच्चा आज्ञाकारी सेवक है, किंतु इसके लिए प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठने व रात्रि को जल्दी सोने का अभ्यास करना होगा तथा स्वयं के आंतरिक मन में अच्छे विचार पहुंचे। इस अवसर पर पहुंचे शहर विधायक अनमोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, ब्रह्म कुमारी बहना रीता बहन, संचालिका दुर्ग ब्रह्म कुमारी रूपाली बहन व शहर के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंडिसियन न्यूज के लिए दुर्गा से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज, उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध, न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध, मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध, स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। ओपीडी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन, जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG, अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन, कॉमर्स बायोलॉजी मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक, फोन नंबर 07882296066, 9424124667। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तथा राज योगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। इस समर कैंप के चौथे दिन दुर्ग जिला SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव बच्चों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिसे देख बच्चे बहुत खुश हुए और अपने मन की जिज्ञासाओं को उनसे सवालों के रूप में पूछा। समर कैंप के चौथे दिन को कॉन्फिडेंस डे आत्मविश्वास दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें डॉक्टर अभिषेक पल्लव SP दुर्ग ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल और TV 1 घंटे से ज़्यादा न देखें, इससे सिरदर्द की समस्या होती है। मोबाइल या सोशल मीडिया पर गुड मॉर्निंग जैसे मैसेज ना दें, जितना हो सके लोगों से डायरेक्ट मिलकर गुड मॉर्निंग नमस्ते करें। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताते हुए कहा, आप सभी अपने पासवर्ड को स्ट्रांग रखेंगे तो प्रोफाइल हैकिंग से बचेंगे। जीवन में सफल होने के लिए धैर्यता बहुत ज़रूरी है, हमें जीवन में मिली असफलता ही मजबूत बनाती है। सोना चांदी भी तब के ही चमकते हैं, जिंदगी में आसानी से कुछ नहीं मिलता। साथ ही उन्होंने DDD डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिवोशन मतलब अनुशासन, कड़ी मेहनत, लगन से ही जीवन में सफल हो सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि खुद का फीडबैक ले, प्रतिदिन सोने के पूर्व
अपने सभी बच्चों से आग्रह किया। डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बच्चों से आग्रह किया कि सोने के पूर्व सभी बच्चे खुलकर अपने मन की बात परेशानियां पेरेंट्स के साथ शेयर करें और पेरेंट्स से कोई भी बात छुपाए नहीं। पेरेंट्स को बता ही नहीं पाओगे तो पेरेंट्स सही डिसीजन भी लेंगे बाद में। यदि आप खुल के सही चीज घर वालों को बताओगे तो कोई पेरेंट बुरा नहीं मानता। हमें अपनी कोई बात पेरेंट्स से छिपानी नहीं चाहिए। आजकल जितना बच्चे भी एग्जाम का टाइम है, कल नीट का भी एग्जाम था, आज नीट का एग्जाम है 2:30 बजे से मेडिकल का, एक बालक ने आत्महत्या कर ली और उस पेरेंट पर क्या बीतेगी आप लोग समझ नहीं सकते हो। रो रो के उनका हालत खराब था, रात भर से लेके सुबह तक खाने में रो रहे। ऐसी कोई चीज नहीं है। यदि आपका पढ़ाई इस साल नहीं हुई आप अगले साल पढ़ाई कर सकते हो। जिंदगी बहुत बड़ी है, खुदा की भगवान की दी हुई जिंदगी है, ये कोई एक दो साल की जिंदगी नहीं है। अब जब तक हमें जीना है, अच्छा काम करना है। यदि हम पढ़ाई किए और सफल नहीं हुए तो कोई क्षण की बात नहीं है। क्षण की बात तब आपके पेरेंट्स को तब शर्मिंदगी होगी जब आप नशा करते हुए पकड़े गए, जब आप चाकूबाजी करते हुए पकड़े गए, जब आप लड़कियों को लड़कों को छेड़ते हुए पकड़े गए, जब आप गलत काम करते हुए पकड़े गए। यदि कोई बच्चा पढ़ा और सफल नहीं हुआ तो घर वालों के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, 5.5 साल का एमबीबीएस कोर्स मैंने 6.5 साल में किया, लेकिन जब 6 साल बाद मैंने सिविल सर्विस यूपीएससी का एग्जाम दिया तो मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मेडिकल साइंस रखा, जो 2005 में मैंने छोड़ दिया था 7 साल बाद। तो बहुत जरूरी है कि हम पढ़ने और पढ़ने में कोई शर्माए नहीं। हमें जो काम करना है, जो हमारी इच्छाएं हैं, हम अपने घर वालों को स्पष्ट रूप में बताएं। यदि आप सही चीज अपने घर वालों को बताओगे तो सभी पेरेंट्स आपको सभी टाइम सपोर्ट करेंगे। उनका गुस्सा हो सकता है कि आपने अच्छा नहीं किया तो, लेकिन वो तनिक समय का गुस्सा है, बाद में उनका प्यार ही आपके सामने आएगा। यदि आप फेल हो गए हैं तो कोई शर्म की बात नहीं है, आपके पेरेंट्स के लिए भी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आपके पेरेंट्स के लिए शर्म की बात तब होगी जब आप नशा करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। पेरेंट्स छड़ी भर के लिए आप पर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर प्यार ही प्यार है, इसलिए सुसाइड का सोचो भी मत। दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के इन वक्तव्यों के साथ ब्रह्मा कुमारी प्राची, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका एवं राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर ने चल रहे उत्कर्ष समर कैंप की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई है। पेरेंट्स का भी अनुभव कि जब बच्चे इतना बदल रहे तो आप हमारे लिए भी कुछ करो, तो साथ में हमने फिर पेरेंट्स के लिए भी क्लासेस शुरू की। तो हमें बहुत खुशी है कि आज के समय में जब बच्चों के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो बच्चों के तुरंत जल्दी ही इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, बच्चे सुसाइड जैसे गलत कदम भी उठा लेते हैं, नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस तो है ही, ऐसे समय में हम बच्चों के लिए कुछ एक बेहतर परिवर्तन के लिए कुछ दे पा रहे हैं, जिससे पेरेंट्स भी स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं, घर का माहौल बदल रहा है, ये सब करते हुए बहुत खुशी मिल रही है। थैंक यू। ओम शांति। पिछले करीब 23 वर्षों से अधिक समय से हम समर कैंप बच्चों के लिए करते आ रहे हैं और इस सफल यात्रा के हमारे बहुत सारे अनुभवों से हमने जो कुछ सीखा है, और इस वर्ष हम जो 4 मई से समर कैंप शुरू किए हैं उत्कर्ष, इसमें हम बच्चों को बहुत कुछ दे पा रहे हैं, जिससे बच्चों में बहुत चेंजेस आज तक आए हैं और आ रहे हैं। आज भी पेरेंट्स हमें कह रहे थे कि जैसे इन 4 दिनों में तो हमारे घर में जैसे खुशबू महक रही है, जो बच्चा मोबाइल हमेशा मोबाइल में लगा रहता था, वो बच्चे ने मोबाइल नहीं छुआ 4 दिनों में। सबसे ज़्यादा खुशी तो पेरेंट्स को इस बात की थी कि बच्चा जो है वो बिना टीवी देखे खाने खाने लगा है, आप जो कह रहे हो वो सब बच्चे कर रहे हैं, मेडिटेशन करने लगे हैं। तो आज भी जो गेस्ट आए उन्होंने यही कहा कि इतने सारे बच्चे, 500 बच्चे एक साथ बैठे इतने शांति से, तो इस माहौल में बच्चे इन सब बातों को बहुत जल्दी समझते हैं, अंदर उसको ग्रास्प कर पा रहे हैं और मेडिटेशन से अपने जीवन को बदल रहे हैं। इवन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तथा राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित किए गए समर कैंप के प्रत्येक दिन को अलग अलग रूप में मनाते हुए
बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिससे बच्चों का मनोबल भी बढ़ता नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। श्री 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 सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव की शुरुआत पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण के साथ की गई। जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत लगातार दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहन नगर थाना क्षेत्र से ऑनलाइन आईपीएल सट्टा संचालित किए जा रहे दो युवकों को धर दबोचा, साथ ही नकदी राशि, मोबाइल और पासबुक के सहित टीवी को भी जब्त किया है। दुर्ग शहर में चल रहे अवैध आईपीएल सट्टे के खिलाफ मुहिम चलाने दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के दिशा निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी के चलते मोहनगर थाने क्षेत्र में चल रहे आईपीएल सटोरियों की सूचना मिलने पर दुर्ग उरला के लोधी पारा में आईपीएल मैच का दांव लगा रहे लोगों पर घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। इनके पास से दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम के बीच चल रहे आईपीएल मैच पर दांव लगाते दो युवक सहित 8 नख मोबाइल, बैंक के अलग अलग 4 खातों में सट्टे की रकम को जब्त किया गया है। इसके बाद दुर्ग पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना मोहन नगर लाया गया। इस संबंध में थाना मोहन नगर के उप निरीक्षक शिशुपाल चंद्रवंशी ने प्रतिक्रिया दी। आईपीएल क्रिकेट चल रहा था तो जरिए मुझे सूचना मिली कि आईपीएल संबंधित सत्ता पट्टी ऑनलाइन मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए ऐप कर किया जा रहा है। तो सूचना पर हमारा स्टाफ और गवाह के लेकर जाके घेराबंदी कर पकड़ा गया। तो आरोपी विश्वनाथ सिंह एवं कृष्णा राजपूत को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसे पकड़ कर उनके खिलाफ धारा 4578 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की जाकर गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने और जान से मार देने की धमकी दिए जाने की शिकायत लेकर थाने पहुंची पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर दुर्ग पुलिस ने आरोपी को नागपुर से पकड़ कर दुर्ग लाया है। बढ़ते महिला संबंधित गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने लगातार त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्ग पुलिस ने एक बार फिर पीड़ित महिला की शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए पीड़िता के लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज के आधार पर आरोपी करण साहू द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और जान से मारने की धमकी दिए जाने से परेशान पीड़िता द्वारा शिकायत पर नागपुर महाराष्ट्र से मोहन नगर पुलिस टीम द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर थाना मोहन नगर जिला दुर्ग लाया गया, जहां आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पीड़िता द्वारा लिखित आवेदन दिए गए तो इसमें अपराध क्रमांक 159/23 धारा 376/500 कायम किया गया। कायम करके आरोपी की पता तलाश की जा रही थी, जो नागपुर में पता चला। फिर टीम गठित करके नागपुर गए, नागपुर से आरोपी करण साहू को पकड़ कर लाए और गिरफ्तार कर कोर्ट न्यायालय पेश किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।